नमस्कार मित्रों, मैं कुलदीप शुक्ला वापस आप लोगों के बीच नए चर्चा पर और नए विषय के साथ। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है जो लेटेस्ट आजकल जो वेब सीरीज आ रही हैं। पहले हम थिएटरों में फिल्म देखने जाते थे, फिल्में अच्छी बनती थी और सेंसर बोर्ड उस पर ध्यान देता था कि फिल्म में कुछ गलत चीज़ें ना हो, ख़ास तौर से नशों को लेकर के, धूम्रपान के लिए, हर चीज़ के लिए होता था, रोक टोक होती थी, उसको चेक किया जाता था, तब जा कर के कहीं वो हमारे पास फिल्म आती थी और हमें समाज में एक ये अच्छा संदेश देने के लिए अच्छी तरह की फिल्म बनती थी। अभी जब से मोबाइल क्रांति आ गई, व्हाट्सएप, फेसबुक और तमाम तरह की चीज़ें, जब ये सब चीज़ें आ गई, सोशल मीडिया जब आ गया, तो ये वेब सीरीज जब से अभी आया है, इन पर छोटी छोटी फिल्में, सीरियल बाई सीरियल फिल्में बनाना ठीक है, ऐसी फिल्में बनाएं, ऐसी वेब सीरीज बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेब सीरीज में ख़ास तौर से ज़्यादातर गालियों पर बल दिया जा रहा है, मतलब कि गंदे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और घर में बैठकर आप फिल्म फैमिली के साथ आप नहीं देख सकते। वेब सीरीज आपके और हमारे बीच की जो समाज में जिस तरह की भाषाएँ यूज होती हैं, जो भी पर्दे के पीछे मामला रहता था, अब वो पर्दे पर डायरेक्ट दिखाया जा रहा है, माँ बहन की गालियाँ यूज कर रहे हैं उस पर, तो ऐसी वेब सीरीज पर कोई रोक टोक नहीं लग रहा है, सरकार इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा है और वेब सीरीज धड़ल्ले से बनती जा रही है। YouTube पर अपलोड होना, उसके बाद वेब सीरीज अब Amazon, Flipkart, कई तरह की कंपनियाँ इसको जो सपोर्ट कर रही हैं और उन पर अभी एक नया चीज़ तांडव मचा। वेब सीरीज जो तांडव आई है, इसको लेकर के बड़ा हलकंप मचा, राजनीति भी होने लगी, तांडव पर तांडव मच रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैंने फिल्म पूरी देखी तांडव को, तांडव फिल्म पूरी देखने के बाद मुझे कहीं से भी ये नहीं लगा कि लोगों ने एक्टिंग नहीं अच्छी की, नहीं कुछ की, लेकिन वेब सीरीज पर एक ही उंगली ये उठ रही है कि भगवान शिव तांडव के शब्द को उठाया गया, भगवान के नाम को सामने यूज करके, और उसमें शिवा नाम का एक शख्स रहता है जो भद्दिया भद्दी गाली देते हैं और सैफ अली खान इस फिल्म में कई बार गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, गालियों का, खुलेआम शब्दों का, जो अश्लील शब्दों का प्रयोग हो रहा है। और ऐसी सीन, वेब सीरीज की बात करूँ तांडो ही नहीं, इसके अलावा जो भी वेब सीरीज आती हैं, खुलेआम किसिंग सीन दिखाना और भी चीज़ें हैं जो आप नहीं देख सकते बच्चों के साथ बैठ के, लेकिन अभी क्या है, लोग मजे से इसको रूम के अंदर अलग अलग रूम में लोग बैठ के देख रहे हैं। लेकिन वेब सीरीज पर अभी तक सरकार द्वारा अश्लीलता पर और गंदे शब्दों पर कोई रोक टोक नहीं लग रहा है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अपील करूँगा कि वेब सीरीज पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए, वेब सीरीज बनाइए, आप फिल्में बनाइए, सब कुछ बनाइए। ऐसे पहले गंगाजल फिल्म थी जिस पर कुछ ना कुछ रोक लगा, लेकिन हम कहते हैं कि फिल्मों के अंदर आप जो पहले होता था बीप दे दिया, लेकिन ये वेब सीरीज में टोटल खुलेआम बोलते हैं जो मर्जी होता है। और इस बार तो तांडव वेब सीरीज ने तो हंगामा ही मचा दिया, भगवान शंकर के ऊपर और भगवान राम के ऊपर टिप्पणी किया गया, सनातन धर्म पे हो गया, साधु संत परेशान हो गए, सभी लोग हंगामा कर रहे हैं, उनसे माफ़ी भी मांगनी पड़ी और उनको कलाकारों को ये भी नहीं पता क्यों किए जा रहे हैं, मतलब सभी कलाकारों पर FIR दर्ज हो रहा है, उसके बाद भी सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है अब इस पर एक कानून बनना चाहिए कि वेब सीरीज जो भी बनाए, आप एक एक्टिंग दिखाइए, अपनी कलाकारी को दिखाइए, ठीक है, अपनी एक्टिंग को, जो अंदर की आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको आप मार्केट में लाइए, ना कि अपने अंदर की जानवर को दिखाइए और ना गंदगी फैलाइए मार्केट में। बच्चों को हम अपने आगे क्या संस्कार देंगे, बच्चे यही सब देख लेंगे, वो मम्मी पापा से भी ऐसे ही बात करेंगे कि पापा आप यही सब करते हो, मतलब पापा ने भी यही देखा है, मम्मी ने भी यही देखा, बहन भी यही देख रही, भाई भी यही देख रहा है, और टोटल मार्केट में क्या मैसेज जा रहा है, बहुत अच्छी वेब सीरीज आई थी और बड़ा इन्जॉयमेंट किया। मैं सिर्फ एक वेब सीरीज की बात नहीं करने आया हूँ यहाँ पर, मामला जो भी वेब सीरीज आ रही हैं वो टोटल जो भी अश्लीलता शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन पर रोक लगाना चाहिए प्रशासन को, और उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ।
तो आशा करता हूँ ये आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, आप लोग शेयर करिए। अगर आप वेब सीरीज चाहते हैं कि वेब सीरीज अच्छी आए, अच्छी न्यूज़ जैसे आती है ऐसे पिक्चर जैसे आती थी पहले, उसी तरह फिल्म आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और समाज को एक अच्छा मैसेज जाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छी और संस्कारी होगी। धन्यवाद।